लेक्चर नंबर फोर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट सर्विसेज ऑफ इंटरनेट ईमेल और एच फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट इंटरनेट जैसा कि वैन ग्लोबल एरिया नेटवर्क हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ़ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल टू वन एन अदर इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्यूनिकेशन लिंक्स लाइक फोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक लाइन्स सेटेलाइट्स एंड वायरलेस कनेक्शन यानी दुनिया में कहीं भी हम कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन कर सकते हैं टेलीफोन लाइन्स के थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू या सेटेलाइट्स के थ्रू डाटा शेयरिंग के लिए इंटरनेट इज़ यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कार्ड होस्ट और सरवर होस्ट और सर्वर जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन की जो है शेयरिंग करते हैं दीज कंप्यूटर यूज़ अ कॉमन प्रोटोकॉल कारी सी पी आई पी फॉर कम्युनिकेशन ये हमने पढ़ा था कि टी सी पी आई पी वैन का प्रोटोकॉल है वैन जो है वो उसमें इंटरनेट एग्जांपल है हमारे पास तो टी सी पी आई पी स्टैंड और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज होस्ट वो कह रहा जो भी कंप्यूटर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं वो एक होस्ट की तरह जो है वो काम करता है होस्ट जैसे हम मेज़बान भी कह सकते हैं अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पीपल यानी लोगों को होस्ट कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पीपल्स कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स मैगजीन्स इन साइक्लोपीडियाज़ एंड अदर मटीरियल ऑन द इंटरनेट दे कैन गेट एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन एनी टॉपिक यानी हमें कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हम इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं दे कैन आल्सो कम्यूनिकेट विद वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स द इंटरनेट हैज़ मेड दिस वर्ल्ड आ गलोबल विली यानी पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं कहीं भी हम रहा कर सकते हैं तो वो जो है हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती है नेक्स्ट सर्विसेज़ हैं हमारे पास डब्लीवू डब्ल्यू डब्ली डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ली इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अः वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो भी पेज हमें इंटरनेट पर जो हमारे पास होते हैं वो ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब उनके अंदर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हम यूजर्स जो है गेट कर सकते हैं डब्ल्यू 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 ऑर्गेनाइज दिस इंफॉमेसन इन सच अवे दैट यूजर्स कैन ईजीली सर्च एंड एक्सेस द रिक्वयर्ड इंफॉमे यानी किसी भी टॉपिक पर अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इन पेजेस से हासिल कर सकते हैं ईमेल सिंपल मेल uh, ये होती है कि जब एक सेंडर uh, एक भेजने वाला भेजता है लेटर तो रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करता है और उसको रीड आउट करता है ई बिल्कुल इसी तरह से सेंडर जो है वो ई uh, भेजता है और रिसीवर के इनबॉक्स में चली जाती है जब वो ओपन करता है तो उसको रीड आउट कर सकता है ई मेल स्टैंड और अलक्ट्रॉनिक मेल ई मेल इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड फाइल्स यूजिंग इंटरनेट मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स साउंड वीडियो क्लिप सिंपल टेक्स यानी इसी कि, किसी भी एक फॉर्म में मैसेज हो सकता है इट इज द फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम टेलनेट टेल इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इट एक्ट अ कंप्यूटर कैन एक्ट लाइक अ टर्मिनल डायरेक्टली लिंक टू रिमोट कंप्यूटर। वो कह रहा है कि कंप्यूटर के साथ जो रिमोट कंप्यूटर है उसके साथ हमारा कंप्यूटर जो है वो ईज़ीली जो है वो उसके साथ अटैच हो सकता है उसके साथ वर्क कर सकता है इट अलाउज़ अ यूज़र टू लॉग इन टू रिमोट कम्प्यूटर दी यूज़र कैन लॉग इन टू द कंप्यूटर यूज़ इट एज इफ़ ही इज़ कनेक्टेड टू कम्प्यूटर डायरेक्टली यानी जो आपके पास मेन कंप्यूटर है आप उसके साथ अटैच हो सकते हैं वहाँ से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं डायरेक्टली आप उसके साथ लिंक ले सकते हैं एफ़ टी बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है ताकि प्रॉपर जो है वो फाइल्स तेज़ी से जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजी जा सके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एंड डेटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडिंग एफ टी बी यानी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड किया जा सकता है दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज का डाउनलोडिंग वो कह रहा है रिमोट कंप्यूटर से आप अपने कंप्यूटर पे जब डेटा को लाते हैं तो दैट इज डाउनलोड दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आ फाइल फ्राम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से जब आपने डाटा रिमोट कंप्यूटर पे डालना है होस्ट कंप्यूटर कह लें रिमोट कंप्यूटर कह लें इन पर डालना है मेन सर्वर्स पे डालना है दैट इज़ अपलोडिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ दिस प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र फाइल्स ऑन इंटरनेट क्यूट एफ टी पी और डब्ल्यू एस एफ एफ टी पी आर एग्जाम्पल्स ऑफ एफ टी पी सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है गूपर ऊपर इज़ अ मेन्यू बेस सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्स सर्च किसी भी चीज़ की फाइल रिट्रीवल इस किस्म की इंफॉमेशन को ईजीली गेट करने के लिए घूपर सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इट ऑर्गेनाइज द रिसोज इैट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन बिकम ईजीअर ऑन द इंटरनेट यानी ये सर्च बेस मैन्यू बेस आपके पास एक सिस्टम है जिससे ईजीली सर्च और फाइल्स की रिट्रील जो है वो पॉसिबल हो जाती है चैट ग्रुप्स चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज ऑन द इंटरनेट यूजिंग चैट ग्रुप्स चैट ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ यूजर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट यानी बिजनेस के लोग हैं उन्होंने आपस में चैट ग्रुप बनवाए हुए होते हैं ताकि वो आपस में किसी भी टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन कर सकें द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन एन अदर इन रियल टाइम इट मीन्स दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम जब एक टाइम पर वो ऑनलाइन होंगे तो ईजिली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकेंगे इंट्रानेट Intranet is a private and secure business network. It uses internet technology to provide information to employees of organization. The information can be protected from unauthorized users. यानी अनऑथराइज यूज़र से उसको जो है वो बचाती हैं कोई जिसके पास राइट right ना हो देखने का उसको हम ऑथराइज़्ड होता है जिसके पास इख्तियार हो और अनऑथराइज़्ड वो होता है जिसके पास इख्तियार ना हो इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिक्योरिटी के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो इंट्रानेट जो है वो प्रोवाइड करता है ईमेल मेल ई अभी पहले डिस्कस हुई हमसे बात के जो भी हम कोई मेल कहते हैं उसमें कोई ऑडियो वीडियो कोई भी किसी भी किस्म का टेक्स्ट कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है और फौरी तौर पे मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक दूसरे तक पहुंच जाता है दी मेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्सचेंज मैसेजेज एंड फाइल्स थ्रू इंटरनेट मैसेजेस कैन बी इन दमोग्राफिक्स साउंड वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स इट इज़ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेज एनी इन द वर्ल्ड Email facility the sender and receivers may be sitting in the same building or anywhere in the world. वन ई मेल मैसेज कैन बी सेंड टू मेनी पीपल वो कह रहा है कि दुनिया में कहीं भी बैठे हूँ चाहे एक बिल्डिंग में बैठे हों आप ई मेल उसको सेंड कर सकते हैं और इससे बहुत सारे लोग जो है वो आपस में कम्यूनिकेट हो सकते हैं ई मेल फेसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और स्पेशलाइज्ड वेबसाइट याहू हू हॉट मेल जी मेल ये मुख्त किस्म के आ, मेल मेल इंजनस हैं जिनके ऊपर मेल जो है वो सेंड की जा सकती है बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत फास्ट है टाइमली पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है मोबाइल फोन्स के थ्रू भी आप ईमेल चेक कर सकते हैं साउंड वीडियो पिक्चर्स किसी भी किस्म की आ, और ईमेल किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करती जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ई जो है वो रिसीव हो जाएगी Next question is HTTP. HTTP stands for Hypertext, Transfer, Pro uh, Hypertext Transport Transfer Protocol. It is a communication protocol used to connect the services on the World Wide Web. The primary function of HTTP is to establish connection with the web server and uh, transmit HTML pages to the user's browsers. इट अलाउज़ कंप्यूटर यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट अच्छा एच टी टी पी हमारे पास हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नहीं है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाईपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल है ये वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ़ पेजिस को एक्सेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है आपस में लिंकेज जो होता है और ये प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल पहले भी आपको पढ़ाया था पीछे कि ये रूल्स होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं तो एच टी टी पी मदद से कोई भी पेजेस जो है वो यूजर्स आसानी से जो है वो उनको एक्सेस कर सकता है और एक्सेस इसकी जो है वो आसान हो जाती है थैंक यू